अस्सलाम वालेकुम। नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आज हम बना रहे हैं कैबेज वेज मैक्रोनी। चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में 3 खाने के चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैंने इसमें 2 कप पर्पल बंद गोभी की डाल दिए और इसे हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसमें से कच्चा पन दूर हो जाए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, ये फ्राई हो गई है। अब दोबारा मैं इसमें 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल रही हूँ और इसमें साथ ही मैंने टेस्ट मेकर डाल दिया। इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्चें मैं डाल दी हूँ, साथ ही चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चम्मच। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो फिर आप चिली सॉस ज्यादा कर दें। और केचप भी 3 खाने के चम्मच मैंने डाल दिया, ज्यादा केचप नहीं आपने डालना। सोया सॉस भी 3 खाने का चम्मच। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा सा भून लिया। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर लें। बॉइल मटर, उबले हुए मटर 1/2 कप डाल के इसको मैंने भून लिया साथ साथ। और साथ ही हम उबले हुए आलू क्यूब्स में कटे हुए 1 कप साथ साथ हम इसे भूनते भी जाएंगे ताकि मसाला इनमें मिक्स हो जाए। अब हमने बंद गोभी 1 कप, इसे भून लिया। साथ ही साथ हम इसमें जो पर्पल बंद गोभी हमने ऐड की थी वो भी भून ली हमने। अब बॉइल मैक्रोनी इसमें डाल देते हैं और मैं इसे अच्छी तरह से हिला लेती हूँ। मैक्रोनी ज्यादा ओवर कुक नहीं होनी चाहिए वरना उनकी शेप खराब हो जाती है। नींबू का रस 5 खाने के चम्मच। अब इसे मिक्स कर दिया। हमारी कैबेज वेज मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी सिंपल और बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें